प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत मौजूद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 10 लोग इसमें मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आडवाणी के घर पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि तमाम गणमान्य लोग यहां पर मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आडवाणी के निवास पर जाकर के उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित कर रही हैं। तो माना जा रहा है कि घर पर सम्मान समारोह कार्यक्रम रखने के पीछे का मकसद ये है कि आडवाणी की सेहत और वृद्धावस्था रही है। राष्ट्रपति मुर्मू भी आडवाणी के घर पर पहुंच गई हैं और ये तस्वीरें जहां पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के अलावा भी कई नेता आडवाणी के घर पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी नजर आ रहे हैं, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति भवन में शनिवार को आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की चार महान हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया है। जहां आपको बता दें कि इसमें तमाम लोगों को सम्मानित किया गया है और आज रविवार के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आडवाणी के घर पहुंची हैं और इन्हें सम्मानित करती नजर आ रही हैं। तो पूर्व उपराष्ट्रपति का ग्राफिक्स के जरिए देखिए पूरा जो है हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। तो लाल कृष्ण आडवाणी की पूरी जीवनी, जहां मई 1986 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बने, उसके बाद 1980 से 1990 में बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हुए काम करते हुए नजर आए। 29 जून 2002 में देश के 7वें उपराष्ट्रपति वो बने। 2013 में अपनी सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म पाकिस्तान के कराची में 8 नवंबर 1927 में हुआ, जहां 1936 से 1942 कराची की सेंट पैरेटिक स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की। सितंबर 1947 बंटवारे के बाद सिंध से दिल्ली वो आ गए। तो पूरी जीवनी 1947 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सचिव बनाए गए। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, जिसमें कई सारे पद भी इन्हें मिले हैं। शुरुआती दौर से ही 1986 की बात कर ली जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद 1980 से 1990 में बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए उन्होंने जीतोड़ मेहनत की। राम मंदिर में भी काफी अहम भूमिका इनकी मानी जाती है। 29 जून 2002 में देश के 7वें उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी बने। 2013 में अपने सभी पदों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म पाकिस्तान के कराची में 8 नवंबर को हुआ। देखिए पूरा इतिहास उनका, उनकी पूरी जीवनी बताने की कोशिश।